नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टवी रोटोवेलर में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा थंबनेल देख के आपको पता चल ही चुका है, छोटा सा वीडियो है, ध्यान से सुनेगा, कुछ रह जाएगा फिर कमी रह जाएगी, डॉग और ज़्यादा वीक रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है, भविष्य के अंदर वो बीमारियों का घर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। देखने लायक वीडियो में कुछ है नहीं, सिर्फ सुनना है, ध्यान से सुनिएगा, फिर से कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं। इसको प्रॉब्लम को चार भागों में डिवाइड किया है मैंने, जैसे कि एक तो कंडीशन क्या होती है कि हम डॉग को सब कुछ खिला रहे हैं जो उसके लिए बेस्ट है, सब कुछ खिला रहे हैं लेकिन वो मोटा नहीं हो रहा। एक तो सिचुएशन आती है ये कि हम भैया सब कुछ खिला रहे हैं, मार्केट वाला फीड भी खिलाते हैं कुछ लोग घर का जो बेस्ट हो सकता है यूट्यूब वगैरह पर गूगल पर सर्च करके बेस्ट होता है वो खिला सकते हैं, वो भी खिला रहे हैं, डॉग मोटा नहीं हो रहा। दूसरा होता है हम उसको क्या खिलाएं कि वो मोटा हो जाए, ठीक है, कि घर का खाना खिला रहे हैं तो कौन सा खिलाएं कि वो मोटा हो जाए, या बाहर का खिलाएं तो कौन सा खिलाएं कि वो मोटा हो जाए। तीसरा पॉइंट आता है कि उसकी मसल ग्रोथ नहीं हो रही, हैवी बोन तो है मसल ग्रोथ नहीं हो रही। चौथा है बोन्स हैवी नहीं है उसकी, बोन्स हैवी कैसे करें, ठीक है, मतलब हड्डियां उसकी मजबूत नहीं हो रही, मसल उसकी आ रही है, उसके पैर कमजोर रह रहे हैं, वजन ज्यादा बढ़ रहा है उसका। तो ये सब चीजें हमारे साथ क्यों होती है, इन सब का इलाज मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन कि हम उसको सब कुछ खिला रहे हैं, अगर आप अपने डॉग को सब कुछ खिला रहे हैं जो उसके लिए बेस्ट है, अगर बाहर का खिला रहे हैं, अब उसकी ग्रोथ कैसे नहीं हो रही, तो उसमें कमी कहाँ रह रही है, तो उसमें कमी सबसे बड़ी कमी कहाँ रह जाती है, सबसे बड़ी कमी रह जाती है कि आपने बच्चा कहाँ से लिया, समझ रहे हो, आपने बच्चा कहाँ से लिया, मतलब जिस ब्रीडर से आपने बच्चा लिया है उस ब्रीडर से, अगर आपने केसीआई रजिस्टर्ड लिया, ध्यान से सुनिएगा वीडियो को काट के देखो, कुछ भी समझ में नहीं आया, कमी ही रह जाएगी। YouTube पे आपको कोई नहीं बताने वाला ये चीज़, ठीक है, ये देसी जुगाड़ है, घर पे ही आपको इलाज बता दूंगा मैं इसको, और सिर्फ घर की फीड से ही उसकी हेल्थ बढ़ जाएगी। और छोटे छोटे जो पॉइंट है इनको ध्यान से सुन लीजिएगा फिर बता रहा हूँ, वरना वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, वापस बता रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से। कहाँ से लिया है ये इसलिए बता रहा हूँ, जिस ब्रीडर से आपने लिया है अगर केसीआई रजिस्टर्ड लिया है तो क्या उसके मदर और फादर, माता और पिता, जो पपी आपने लिया है, क्या उसके माता और पिता दोनों हैवी बोन और हैवी मस्कुलर है क्या, अगर वो दोनों ही हड्डे कट्टे हैं तो इसकी ग्रोथ 101% होनी ही थी, वो क्यों नहीं, वो भी आप अपन डिसाइड कर लेंगे अगर नहीं हुई तो। दूसरा, अगर वो खुद ही कमज़ोर थे तो इसकी हम ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन जो आप चाहते हो रिजल्ट लोगों के पास है वैसी ग्रोथ इसकी नहीं हो पाएगी, ठीक है, ध्यान से सुनना, वैसी ग्रोथ इसकी नहीं हो पाएगी, हट्टा कट्टा तगड़ा हो जाएगा लेकिन बोन साइज इसका वैसा नहीं हो पाएगा, इसका स्ट्रक्चर है ना वैसा नहीं हो पाएगा जैसा होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि हम इसको देख सब कुछ रहे हैं बाहर का खाना लेकिन ये बढ़ नहीं रहा, इसके मदर फादर की हेल्थ भी अच्छी है लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहा, तो हमको क्या करना है, एक उसकी सबसे बड़ी कमी रह यही रह रही है, उसका डिवॉर्मर चेंज करो आप, या आप उसको डिवॉर्म कराते हो या नहीं कराते हो। डिवॉर्मर क्या होता है, डिवॉर्म क्या होता है, डॉग के पेट के अंदर जम्स पैदा हो जाते हैं, जम्स यानी आपको मैं सीधे शब्दों में समझाता हूँ, कुछ कीटाणु ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनको डिवॉर्मर के जरिए, एक दवाई आती है जिसके जरिए उसको ख़त्म कर दिया जाता है, जो 2.5 से 3 महीने के बीच में काम करता है, उसके बाद में वापस करना पड़ता है डिवॉर्म। इससे प्रॉफिट ये होता है कि वो पेट के सभी कीटाणु मर जाते हैं, डॉग जो भी खाना खाता है वो पूरा उसके शरीर को लगता है, ठीक है, और उसके बाल झड़ना वगैरह ये छोटी मोटी शिकायतें ना ये भी बंद हो जाती है, और भूख अच्छी लगती है डॉग को, नॉर्मली जैसे वो खाना खाता है ना उससे अच्छी भूख हो जाएगी उसकी, वो एकदम हेल्दी रहने लग जाएगा, ये मान लो उसका माइंड फ्रेश हो जाता है, ये मान लो क्योंकि पेट सही रहता है तो सब कुछ सही रहता है। तो अगर उसके मदर फादर भी हेल्दी है और फिर भी आपका डॉग हेल्दी नहीं हो पा रहा, हैवी बोन है लेकिन आपका डॉग नहीं हो पा रहा, अब उसमें दूसरी कंडीशन क्या आती है, पहला तो डिवॉर्मर, आपका डिवॉर्मर काम नहीं कर रहा जो आप दे रहे हो, तो डिवॉर्मर चेंज करना है आपको, ठीक है, डॉक्टर से सलाह लेके चेंज करवाना कुछ अच्छा वाला, ठीक है, और उनको बताना कि ये मैं डिवॉर्मर इसको दे रहा हूँ शुरू से, और नहीं दे रहे हो तो डिवॉर्मर चालू कर दो, फीड
अभी मैं बताऊंगा आगे, वो चालू कर देना आप, ठीक है। घर की फीड ही बता दूंगा आपको, बहुत तगड़ी फीड, मेरे खुद के रोटवालर पाले में, तो आप देख भी लेना पुराने वीडियो मेरी, रोटवालर फीमेल को देखना, उसका हेड उसके बॉडी से भी बड़ा था, वो कुछ कभी मैंने बाहर का खाना नहीं खिलाया उसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आता है डिवॉर्मर के बाद में, उसकी डाइट का, कि देखिए एनिमल्स ये जो डॉग वगैरह है ना, ये है शिकारी ब्रीड, ठीक है, ये शिकार करके खाती है, तो शिकार करके घास फूस तो खाया नहीं जाता होगा जंगल में, ठीक है। तो ये इनको क्या है, नॉनवेज की ज़्यादा जरूरत होती है इनकी बॉडी को, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि इनको खास करके आप नॉनवेज दो, ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा रखो, बाकी जो घास फूस हम देते हैं वो कम रखो। हाँ चावल दे सकते हो, बड़ी ब्रीड हो गई है, मिक्स आटे की रोटी भी दे सकते हो, मिक्स नहीं है तो सिंपल रोटी भी दे सकते हो, अगर बच्चा है तो उसका स्पेशली मैं वीडियो बना चुका हूँ पपी फूड के ऊपर, वो सुन लेना आप। अगर आपके पास में पपी है तो पपी फूड की मैं वीडियो बना चुका हूँ, होममेड फूड की, वो आप देख लेना। अगर आपके पास में बड़ी ब्रीड है तो उसके लिए, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए मैं भी बना चुका हूँ, और एक वीडियो और मैं भी डाल भी दूंगा एक दो दिन में, तो पूरी डिटेल से क्या क्या दे सकते हो, किस मात्रा में किस ब्रीड को, वो भी डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रोटीन ज़्यादा रखना है उसको, ठीक है। वही जो पपी फूड की वीडियो है ना, उसी को आप देख लेना, वही बड़ी ब्रीड के लिए भी उसमें बताया हुआ है मैंने लास्ट के अंदर, तो आप उसको पूरा सुन लेना, उसके अंदर पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो करना क्या आपको, मेन उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा कर देनी है, और घास फूस जो अगर आप कुछ दे रहे हो उसको, तो वो कम कर देना है, उससे उसकी मसल ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। पहला डिवॉर्मर, दूसरा प्रोटीन, तीसरा उसकी बोन की साइज नहीं बढ़ रही, तो क्या उसको हम कैल्शियम बढ़ा दें? नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। कैल्शियम बढ़ा दोगे तो क्या होगा, उसका गर्व हो जाएगा बीमारी का शरीर, उसके लीवर खत्म हो जाएंगे। कैल्शियम मल्टीविटामिन आप उसको देना है, लेकिन उसकी जो एक लिमिट है उस लिमिट से बाहर नहीं दे सकते हम। अब उसकी हड्डियां कमजोर रह रही है, वो क्यों रह रही है, हमने क्या है डिवॉर्मर चेंज कर दिया, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर दी, मल्टीविटामिन उसको चालू कर देना है अगर नहीं कर रहे हो तो। याद रखना सबसे पहले करना है डिवॉर्मर उसका चेंज, अगर नहीं बढ़ रही है तो, अगर दे रहे हो डिवॉर्मर तो बहुत ही बढ़िया बात है, उसको चेंज कर देना है। अगर डिवॉर्मर दे रहे हो, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको चेंज ही करो, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरा, अगर नहीं दे रहे हो तो देना है डिवॉर्मर के बाद में, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उसकी जो है उसको पूरी करनी है हमें, ठीक है। ये मान लो आप उसकी जो भी डेली की डाइट है ना, उसका 70 से 80% उसको नॉनवेज ही देना है, समझ गए, 70 से 80% उसको नॉनवेज ही देना है उसकी डाइट का, बस यही डाइट है उसकी तगड़े होने की, मसल तगड़े हो जाएंगे उसके, और उसकी हड्डियों में जान आना चालू। अब उसकी हड्डियां जो कमज़ोर है उनके लिए क्या करें, कैल्शियम मल्टीविटामिन हमको दोनों चालू रखने हैं, मार्केटिंग फीड आपको टच ही नहीं करवानी, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, बेस्ट बेस्ट आप मार्केटिंग फीड लेना, और उससे अच्छा है आप घर का जो फीड है वो दे दो, दोनों से तगड़ा कौन बनेगा। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन ध्यान से सुनिएगा। एक बॉडी बिल्डर वो होता है जो खेत के अंदर 12 घंटे 10 घंटे 8 घंटे खेती करता है, और देसी राबड़ी छाछ पी के दही खा के बॉडी बनाता है। एक बॉडी बिल्डर दूसरा होता है जो 3 ही महीने के अंदर हल्क बन जाता है, और स्टेज कॉम्पीट करता है, और जीत के चला जाता है वहाँ से गोल्ड मेडल। अगर उस देसी पहलवान को उस स्टेज पर लड़ने वाले पहलवान से बिठा दे तो दमदार कौन है, सीधी सी बात है, वो देसी पहलवान उसकी हड्डियां मरोड़ के तोड़ देगा, क्योंकि उसने बॉडी बनाई है सिर्फ 3 महीने में इंजेक्शन डाल के, ठीक है, दवाइयों से, और देसी पहलवान ने बनाई है देसी खा के। तो बेस्ट कौन सी बॉडी है, देसी वाले। देसी वाले कैसे बनती है, बचपन से उसको बनाओगे आप तो बनेगी, या बड़े होने के बाद में उसको थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन बनेगी 101%, जो भी बनेगी मजबूत बनेगी। तो ये था एक उदाहरण आपको, तो आपको डाइट जो बाहर की ना वो भूल जाओ, दुकान वाले आपको बेवकूफ़ ही बनाएंगे, आपका पहले कभी काम नहीं पड़ा है, तो आपको कभी भी ये रॉयल कैनन वगैरह पेडिग्री वगैरह बहुत बताएंगे कि इनके अंदर ये चीज़ें हैं, आपको भी पता है क्या ये होता है ये होता है, उनको आप जो रासायनिक नाम लिखे हुए रहते हैं ना उनको आप कन्वर्ट करके देखना कभी गूगल के ऊपर, उनमें ये लिखा हुआ था इसमें नमक है, नमक को ऐसा ऐसा नाम घुमा के लिख देते हैं कि आप देखिए पता नहीं यार क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, ये तो सारी मल्टीविटामिन के डब्बे में भी नहीं आएगी, ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती है उसमें कि देखो इसमें ये है, मल्टीविटामिन में ये नहीं आता, तो उनकी बातों में आपको नहीं आना है, ठीक है। ये मेरे को लगा आपको बताना चाहिए पॉइंट, इसलिए मैंने बता दिया वीडियो के बीच में, ज़रूरी पॉइंट है। मल्टीविटामिन की एजेंसी हम उसको दे दिया,
अभी भी उसकी ग्रोथ नहीं हो रही उसकी हड्डियों के अंदर, कैल्शियम बढ़ा दें, ऐसा कुछ भी नहीं करना, कैल्शियम नहीं बढ़ाना है आपको। क्या करना है, मार्केट से गट्टे लेके आना है। गट्टे क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं जो बकरे वगैरह आगे, अगर घर पे नॉनवेज चलता है तो ये सीरीज आपके काम की। हड्डियाँ लेके आनी है बकरे की, सिर्फ हड्डियाँ, उनको कुकर में डालो, एक गिलास पानी डालो, हड्डियाँ कितनी लानी है 100 ग्राम हड्डी रोज़ की मान लो आप, 20-30 रुपये में आपको दे देगा। जो भी काम की नहीं है ना उसकी हड्डियाँ, कचरा है वो कचरा ले आओ आप, ठीक है। जब बकरे के सिरी वगैरह की, सिरी यानी बकरे के सिर की सफाई होती है, जो नॉनवेज खाते हैं उनको तो पता होगा, सिर कटता है जब बकरे का, सफाई वफाई होकर देता है तो उसमें बहुत हड्डी निकलती है, हड्डियाँ लेके आ जाओ, आ जाओ आप। और बेस्ट हड्डी कौन सी है, जो जॉइंट होते हैं ना जॉइंट, वो उनको आप लेके आ जाओ, 100-200 ग्राम लेके आ जाओ, रोज़ कुकर में डालो, एक गिलास पानी डालो, उसके 10-12 सीटी डाल लगा दो, ठीक है। डालना क्या है उसके अंदर, सिर्फ एक पिंच, एक चुटकी हल्दी और कुछ भी नहीं डालना, 10-12 सीटी लगाओ, ठंडा हो जाए, सारी हड्डियों को छान के निकाल लो और वो पानी उसको चालू कर दो आप। अगर उसकी हड्डियाँ कमज़ोर है, मैं गारंटी दे रहा हूँ वर्ल्ड में इससे बेस्ट कोई इलाज नहीं है। 3 महीने दे दो आपके कुत्ते को ये जो खुराक मैंने अभी तक बताई आपको, ऐसा बन जाएगा कि आपने खुद ने नहीं सोचा होगा। देखते रह जाएंगे सबके, यार इसको क्या हो गया, एकदम से क्या खिला दिए इसको। 3 महीने क्या क्या देना है वापस बता रहा हूँ, घास फूस कम कर देना है, उसकी डाइट का 80% नॉनवेज कर देना है, ठीक है। चिकन हड्डी वाला नहीं देना, कच्ची हड्डी तो दे सकते हो, बाकी हड्डियाँ मत देना, लेग वगैरह तो हटाए देना, सीना सीना लाना है और वो देना है, ठीक है। डिवॉर्मिंग करवानी है उसकी, अगर नहीं है करवाई कभी तो डिवॉर्मिंग चालू करनी है, और अगर करवाते हो तो चेंज करके देखनी है, ठीक है। हड्डियाँ हो गई, हड्डियों का सूप रोज देना है। डिवॉर्मिंग होगी, प्रोटीन हो गया उसका, मतलब चिकन उसका हो गया। और चौथी चीज़ है, अगर आप उसको घुमा के नहीं लाते, अगर आपका डॉग घर पे ही बंदा बंदा रहता है, उससे भी उसका बॉडी वेट गिरता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। अगर किसी को पलंग के ऊपर सुला दे और उसको अंट संट ताकत की चीज़ें खिलाया जाए तो क्या होगा, उसका शरीर बढ़ेगा तो भी अव्यवस्थित रूप से बढ़ेगा। मसल ग्रोथ के लिए मसल पंप होना ज़रूरी होता है, समझ रहे हो। बॉडी बिल्डिंग करिए, जिम विम करिए, किसी को देखा होगा, मसल बनानी है ना तो मसल को पंप होना पड़ेगा, वरना मसल फूलेगी क्यों, वो अव्यवस्थित ढंग से फूलेगी अगर फूलेगी भी तो। तो एक उसको करना क्या है, घुमाने का ध्यान रखना है, दोनों टाइम नहीं हो सकता, एक टाइम कम से कम उसको घुमाओ, उसकी बॉडी वेट के हिसाब से, उसकी कंडीशन के हिसाब से, उसके लिए कितनी दूर तक घूमना सही है, वो थकता नहीं है, बीमार ना हो जाए, इतनी दूर तक उसको घुमाना ज़रूरी है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखना, गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ मैं, 101% 3 महीने में आपका डॉग पूरा बदल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, तुम्हारे भाई का चैनल है सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।